वो द फाइनल डे ऑफ द ट्रिप और सुबह की शुरुआत कसौल कैंप्स में ब्रेकफास्ट के साथ. गौरव और अरुणा ऑलरेडी जा चुके हैं. आई वोक अप लेट सो लेट्स जॉइन देम. सो दिस वाज आवर स्टे कसौल कैंप्स. सम ब्यूटिफुल अमेजिंग सेटअप. बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है सब कुछ. दिस इज द रिवर साइड जहाँ हम शाम को बैठे थे, मतलब रात को. दिस इज द ब्रेकफास्ट टेबल. डन भाई, कर दें ट्रिप की एंडिंग. सो दिस इज द कैफेटेरिया. दिस इज द सेम व्यू जहाँ कल रात को बैठे थे. दिस वॉज आवर स्पॉट कल रात को. हाँ भाई हाँ, थारा इंटरनेट कति ठीक है. वीडियो मन्ने रोकी है, एक बार ब्रेक ले लो व्लॉग में से और आ जाओ फिर. तो व्लॉग बीच में रोकने का रीजन ये है कि पूरी व्लॉग सीरीज के दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो रिपीटेडली कमेंट्स में यूट्यूब इंस्टाग्राम हर जगह पूछे जा रहे थे. तो यही एक तरीका था वन ऑन वन सारे सवालों के जवाब देने का. लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं भी अपनी तरफ से कन्फर्म करना चाहूँगा कि ना तो मैं कोई व्लॉगर हूँ और ट्रैवल व्लॉगर तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. तो जज उतना मत करना यार, मेरे को ही पता है मैंने बहुत कमियाँ छोड़ी हैं इस पूरी ट्रैवल व्लॉगिंग में. शायद अगले कुछ व्लॉग्स में इम्प्रूवमेंट आ जाए, लेकिन मैं व्लॉगर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. बस अपना देसी सा काम कर रखा था, फ़ोन ले रखा था, गाड़ी थी, यार दोस्त थे, घूमने जा रहे थे, बस इस तरह फालतू कुछ नहीं. स्वाद ले रखे थे, वो स्वाद जितने कैप्चर हुए वो थारे के लिए शेयर कर दिए वीडियो बना के. मैंने एडिट करना भी नहीं आता भाई, मैंने लैपटॉप ढंग से चलाना नहीं आता, पर फिर भी पूरी कोशिश करी जिसा भी एडिट कर सको भाई, जो अपना बेस्ट कर सको, मतलब सिर्फ एक कोशिश थी. तो जज मत करना. बाकी कोई भी किसी भी चीज़ में कमी रही हो या कोई बात बुरी लगी हो जाने अनजाने में तो उसके लिए सॉरी, और दिल खोल के बता दिया करो कमेंट्स में या डीएम कर दिया करो. कोई भी बात अगर पिंच हो जाए तो मजाक मस्ती में भी. उससे अलग व्लॉग से रिलेटेड और ट्रिप से रिलेटेड बहुत सारे कॉमन सवाल थे, तो मैंने सोचा सारे एक साथ जवाब दो. सबसे कॉमन सवाल ये था कि भाई खर्चा कितना होया. तो खर्चा हुआ कुछ 70,000 से 75,000 रुपये, जिसमें हमारी पार्टीज भी इंक्लूडेड हैं, थम समझ गए होंगे. और नेक्स्ट लड़कों का, मेरे भाइयों का एक बहुत कॉमन सवाल है, भाई तेल कितने का लग गया. तेल लग गया भाई 22,000 से 25,000 रुपये के बीच में. थम एवरेज खुद लगा लियो, KI KNI. बाकी एक्चुअल प्रैक्टिकल बात बताऊँ तो एवरेज काटने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कितना जाम लगेगा, कितनी चढ़ाई होगी, कितनी उतराई होगी, वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ना उसकी कोई कैलकुलेशन. तीसरी बात यह भाई, वो रास्ते आड़ा के चक्कर था, गाड़ी ना चढ़े थे, जाना इतना मुश्किल है के. तो रीजन वो नहीं है, हमने थोड़ा सा ट्रिप दूसरी डायरेक्शन से ले लिया. आप जाते टाइम ले से नुब्रा और की साइड से पेंगोंग जाओ, वापस उतरते टाइम चांगला पास और ये सब उतरना और फिर ले से जाना. और अगर आप कश्मीर से जा रहे हो तो जाते टाइम आप कश्मीर से जाना और आना मनाली से. मनाली से जाओगे और चांगला पास पे चढ़ाई करोगे तो वो बहुत स्टीप चढ़ाई है. ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां, जो नई गाड़ियां हैं, नई SUVs हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, नहीं तो सारी गाड़ियों के लिए वो चैलेंजिंग ही रहेगा. उतरते टाइम वहां से आओगे, टाइम भी कम लगेगा, बहुत ईजी ड्राइव होगी और आराम से उतरते हुए आओगे. चौथा सवाल ये था बहुत सारे लोगों का कि हाँ कितने दिन में किया आपने सब. तो हम नुब्रा वैली नहीं गए, उससे अलग हमने पूरा ट्रिप 8 दिनों में किया है, गुड़गांव से पेंगोंग लेक और वापस रोहतक, गुड़गांव कुछ भी मान लो आप, जिसमें अगर हम पेंगोंग सॉरी क्या कहूँ था नुब्रा और कवर करते तो 1.5 दिन और लग जाता, तो पूरा ट्रिप बन जाता 10 दिन का. फिर बहुत सारे लोगों के सवाल थे यार आप दुखी बहुत हो रहे थे, जाना ठीक है कि नहीं है. तो जाना बिल्कुल ठीक है भाई, मस्ट विजिट प्लेस है, लेकिन थोड़ी मैनेजमेंट तो जाइयो. और अगर आप पहली बार जा रहे हो तो बहुत सारी प्रिकॉशंस, मैनेजमेंट, रिसर्च, ज्ञान लेके जाना. आवड़े बावड़े घर तक चाल पड़ोगे गाड़ी स्टार्ट करके तो कितने भी राह में खड़े हो जाओगे और बहुत दुखी हो जाओगे भाई.
और उस तेनारे बहुत सारे सवाल और भी थे, वो मैंने कमेंट्स में साथ साथ सबके जवाब दे दिए थे। अगर फिर भी कुछ रह गया तो इस व्लॉग के एंड में कमेंट्स में पूछ लेना। ये लास्ट व्लॉग है, गो एंजॉय इट, और उसके बाद लद्दाख सीरीज ओवर। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अरे यार, अरे सुनो, थैंक्स अ लॉट थे ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज, इतने हजार लोग देखो यार, शेयर कर दिया करो व्हाट्सएप ग्रुप में, कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ प्लीज। हिम्मत मिलती है, मजबूती मिलती है, गो शेयर फर्स्ट देन सब्सक्राइब, और अगर ज्यादा ही अच्छे व्लॉग्स लगते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करो, नीचे साइड में ऑप्शन होगा सब्सक्राइब के, बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि मैं जितनी बार भी कुछ पोस्ट करूंगा डायरेक्ट अपडेट आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जाओ व्लॉग एंजॉय करो। फाइनली चेकिंग आउट वन लास्ट टाइम। ओके शुभम भाई, ओ फ्लिपर, एक बार कर दे, एक बार, पांच अटेम्प्ट, एक जा चुका, दो तीन, परफॉर्मेंस प्रेशर, चार, अरे के कनेडा करा कर तू, एक दो तीन, क्या कहने, चलो भाई ऑन दिस गुड नोट, बाय बाय टू द माउंटेन्स, सिर्फ रोड का सफर बाकी है अब अपना। ये पार्किंग एरिया है भाई इनका, प्रॉपर सिक्योर्ड पार्किंग एरिया है, बाहर वाला जो गेट है वो बंद हो जाता है रात को, आपकी गाड़ी वाड़ी की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ओ भाई साहब के मस्त पार्किंग कर दी 800 राड़े में, बहुत अच्छे। भाई कल कसोल का दिन बहुत अच्छा था, वाकई बढ़िया था। हाँ मतलब पूरे ट्रिप की जो डिसअपॉइंटमेंट थकान थी सारी उतार दी कल कसोल वाले ट्रिप में, बिल्कुल कत्ती यार। हाँ तो बाकी तरह था, फर्स्ट टाइम था। हाँ मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक था, बढ़िया था। राणा साहब के कहोगे ले के टूर पे? मैं सब लेगा टूर ठीक से भाई, ठीक से ना ठीक से गया, टूर टार तो कुछ ना है, बस ड्राइवरी का कोर्स हो जाए, आदमी आदमी का हाथ साफ सा हो जाएगा, डी पे डीजल गलानी है, प्रैक्टिस हो जाए पंपा पे। कार्ड नहीं चलेगा सर, कैश कैश है। और भाई और एटीएम में भी कैश नहीं है सर? ना कैश तो है ही नहीं, अपना पैकेट भर के ले आओ घर से, लाख दो लाख रुपए खंडा जाओ और चले जाओ। और दूसरा मलिक साहब यूँ कहना चाहूंगा, ये जो बाइक आड़े है ना, या जे किसी भाई के नु समझ में आ जाए, भाई के करण जा है, क्यों कर जा है, क्यों कर आवे है,
छोटा बच्चा भी देखा हमने यार, मतलब भाई थारे में क्या तो हिम्मत गनी है, क्या पागलपन गना है, क्या शौक अलग डाल का शौक है। मैंने मानो तो हम बेवकूफ है, तो दो तीन तीन बल दाक आ गए, पर इन देख के लाकर ना हम बहुत सज्जन है। हम तो बहुत ठीक है, इनने देखे भाई बिल्कुल लते किसी और उनके रेत में चौथ चढ़ वे धुए नहीं सकते, गलत तैसे और उनके बगाने पड़ेंगे, बगाने पड़ेंगे भाई। एक जोड़ी ऊपर जा बगा दो, एक घर जा बगा दो, दो जोड़ी तो बगा दो। अरे वो मैं बताऊं तो था, एक छोरी बैठी थी निकर कैपरी पहरे वट पिंडी और टायर एक बराबर हो रही थी, मैं कुत्ती पिसाए था भाई का टायर जेड ब्लैक और उसी पिंडी हो रही भाई। बेरा ना वे किधर रुके है खान लायक निरते, हेलमेट तारे नु धूल थूल पावे है, अरे का दे कती एक लावे है। ओ किधर रोक के भाई साहब फोटो उतारियो, के करियो, के करे के नहीं करे समझता पा ये जो एकले बाइक ठाका आ जा भाई, तुम किस तक बोलो बतला हो पूरे ट्रिप पर 7-8-10 दिन तुम बात किस तक करो, फोन भी नहीं है और किस तक नु को बार बार भाई मेरी फोटो उतार दे भाई, बहुत मुश्किल है भाई। मारे नु लगा रे लद्दाख मोटा मोटा घना समझ में आ गया, पर ये जो बाइकर्स है ना ये नहीं समझ में, अपनी सिलेबस तो बाहर चल रहे हैं भाई। तो जितने आपके फ्रेंड हो जो बाइकर्स हैं, जो ये टरी ठाके बातें हैं बड़ दो 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 दो, इन अटैक कर दियो भाई, इन अटैक कर दियो और इन तक कमेंट में बस न्यू पूछ के बता दियो भीतर तक के आवाज थारा आवे है, जो तुम इस काम न करण खातर अपनी हिम्मत जुटा लो और आ जाओ भाई। मान तो गाड़ी में ही से हो जाए, अब बस वो बहुत देख लिया। साइकिल वाले भी तो है भाई, साइकिल वाले का तो चल मैंने मालूम एथलीट है भाई, एथलीट ने तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने चले जाते हो और भाई पहाड़ा में चला लूंगा फिर तो फ्लैट जो ट्रैक होगा उस पर तो मेडल पक्का है। तो वो दिमाग में मेरा आई कि साइकिल वाले का तो नहीं हो चुका भाई, फिटनेस फ्रीक हो ये रॉयल एनफील्ड फ्री क्यूकर हो रही है ये लड्डे में क्यूकर, मतलब थारा भरोसा हुआ है, ओल्ड टायर है यार, और कोई 50 लाख पत्थर छोटे से लेकर बड़ा सारा एक पत्थर का खेल, 4-5 पास कवर करने पास, और उन पास तो में तो आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी, रोड थोड़ी है, गड्ढे हैं 1.5 फुट के 2.5 फुट के आधा फुट का गड्ढा पड़ जा मानस यार, गोडा टूट जा लगता है इतने जाडे में ऊं खिलकी पट है भाई, इतने पहने पत्थर टच होते फ्रैक्चर है, पर भाई चले जाए। और बीवी बच्चा गेला तो कती है नहीं आवा, कुछ वाले पैदा नहीं होता। तो यार थारी हिम्मत है भाई, ठीक है ना, हम तो चंडीगढ़ पहुंच लिया मान लो हाईवे पे ऑलमोस्ट, और पकड़ लेंगे जीटी रोड और जान लग रहे हैं। बला की हाँ तो स्टोरी भी पोस्ट करी थी मैंने, क्योंकि लद्दाख में जितने भी मिले थे लद्दाख के रास्ते में, उस टाइम तो फोन वन सबके बंद थे, तो किसी को नंबर देने का कोई सेंस नहीं बनती थी, लेकिन जितने भी भाई लद्दाख मिले ना यार रास्ते में आते जाते कईयों, हालांकि ये सफारी राणा की है लेकिन कईयों को लगा कि ये मेरी सफारी है, तो सफारी देख के भी न्यू हो गए थे, हाँ भाई पहचान लिया, तो जिनने लद्दाख में पहचान लिया ना उन्होंने यार दिल खुश कर दिया। और कसोल में तो अच्छे बड़क थे, बढ़िया कसोल में भी मतलब मार्केट थी गए थे 4-5 जान का रूढ़े पा गए न्यू इंस्टाग्राम के थ्रू, और कई आगे फोन भी आए मिलने आओगे, वो गौरव भाई हैंडल करने लग रहे थे, ये भी कई आगे हैं हम जीटी रोड पे मिलेंगे, तो देखो भाई कौन कितना होगा। तो जितनी भी मेहनत करी थी इंस्टाग्राम पे वो इस ट्रिप पे लगा कि यार 2-4 ऐसे आदमी की इज्जत कमा रखी है कितने खड़े होते हैं, राम राम कर दे राणा फ्रूटफुल राणा रुक है, अगले ट्रिप पाऊंगा जब तेरे 100 की हो जाएंगे 1 लाख हो पाचा है, और फिर मैं ये सारी चीज मैं संभालूंगा, फोटो खिंचवानी है, मिलना जुलना है। तो राणा नुक है तेरी पूरी मैनेजरशिप है ना, पूरी मैनेजमेंट मैं अगले ट्रिप पर अपने हाथों में लूंगा, और हद की बात यह है हमने इस ट्रिप पर अगले ट्रिप की प्लानिंग कर लिया, फिलहाल साइन आउट हो रहा है भाई, राम राम भाई। पानीपत पहुंच गए, टाइम हो गया रात का एग्जैक्ट 12 बज गए, और इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू एक भाई ने देखा था जीटी रोड तो जावा, भाई वेट करने लग रहा आधे घंटे से टोल पे पहुंचने वाले हैं बस वहाँ पे,
तेरा बल्ला हो गया किसा कटवाया। भाई डेडिकेशन बहुत है अगले में भी रात ने 12 बजे खड़े मिलन खातर। यार जो आदमी एडमायर करे ना उनकी एनर्जी लेवल अलग तरह की होती है, हम नहीं समझ सकते उनको, वो उन नहीं समझ रहे हैं। तो दो चार मिनट और बाट देखनी पड़ेगी भाई, नहीं इतने पूछ चलेंगे। और इसके बाद पूरे लद्दाख के व्लॉग्स की एंडिंग, सारी स्टोरी एंड। नए व्लॉग में मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। के बाद तुम सो होगे, सांस भी ना लेते, मन में नींद आ रही है भाई। अरे वो मेरे ख्याल से सुनता है वो नींद आ रही है क्योंकि हम पिछले 12-13 घंटे से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया। जितनी एनर्जी इस भाई में उतनी तो हम तीनों में मिला के भी नहीं है। क्योंकि सुबह राणा साहब ने दफ्तर जाना था तो राणा साहब बोले आज तो रोहतक पहुँचूंगा, बहुत ट्रैफिक था रास्ते में, तो चंडीगढ़ तक तो स्पीड ही बहुत स्लो थी गाड़ी की। उसके बाद से मैंने थोड़ा दाबिया समझा पर ही पहुँच जाएंगे और एक सवा डेढ़ घंटे में अंदाजन 1:30 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। पता होगा घर की खा लेंगे दाल रोटी, आज चटनी बनवा रखी है सारे ने, और रिश्ता के काबू लोग नहीं बन पाओगा, मुंडी थकान आ रही है भाई। सारे का धन्यवाद देखने का। तब गुड नाइट, गुड नाइट भाई।